हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग बनाते हैं बिहार के पारंपरिक फाड़ा वाला आम का अचार। इस तरह से अचार आप एक साल बनाएंगे तो साल दो साल तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं, खा सकते हैं। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए, हमने अचार बनाने के लिए यहाँ लिया है 1 किलो आम, जिसे हमने मार्केट में ही कटवा लिया था। मार्केट से लाने के बाद हमने इससे बीज निकाल दिया और इसे हमने धो लिया है पानी में। चलिए हम इसे पंखा के हवा पे सूखने के लिए डाल देते हैं। बेड पे हमने एक कॉटन का कपड़ा बिछा लिया है, उस पर हम सारे आम को पलट पलट के इसे रख देंगे। आधा घंटा बाद हम उसे उठा लेंगे। देखिए, आधा घंटा हो गया है। चलिए हम इसे उठा लेते हैं एक थाली में। देखिए, सारे आम को हमने एक थाली में उठा लिया। चलिए अब हम अचार बनाना शुरू करते हैं। अचार बनाने के लिए हमने लिया है एक स्टील का बर्तन। ये हम यूज नहीं करते, इसे बेकार में रखा रहता है, इसलिए इसमें बना रहे हैं। आप लोग भी बनाए तो ऐसे बर्तन में बनाए जिसे आप यूज में नहीं लेते हो, नहीं तो प्लास्टिक के बर्तन में बनाए, क्योंकि इसमें नमक डाल के रखने से बर्तन टूट जाता है, छेद हो जाता है इसमें। आम डालने के बाद चलिए हम इसमें नमक डाल देते हैं। अचार में नमक तो ज़्यादा ही लगता है। नमक डालने के बाद हल्दी डाल देते हैं। हल्दी डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चलिए थोड़ा सा हाथ से मिक्स कर लेते हैं। जब भी कोई भी खाने वाले सामान को छुए हाथ से तो अच्छी तरह से हैंड वॉश कर ले। चलिए हम इसे ढक देते हैं एक दिन के लिए। दूसरे दिन देखिए हम मसाला तैयार करेंगे। पहले हमने लिया है धनिया, जीरा, मेथी, अजवाइन, सौंफ, कलौंजी, 100 ग्राम हमने राई ले लिया है। मसाला थोड़ा हम ज़्यादा ही बना रहे हैं, क्योंकि हम साथ में करेला के भी अचार बने हैं तो उसमें भी हमें डालना है। तो चलिए हम कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं। कढ़ाई गर्म करने के बाद पहले हम उसमें डाल देंगे मेथी। धनिया को डाल देते हैं, अखा धनिया। साथ में हम जीरा और सौंफ को भी डाल देंगे। जब मसाले में से खुशबू आने लगेगा तब हम उसमें डालेंगे कलौंजी और अजवाइन। सारे मसाले को इसमें डालने के बाद चलिए हम चला लेते हैं, भून लेंगे इसे। देखिए मसाले में से खुशबू आने लगा। चलिए अब हम डाल देते हैं इसमें अजवाइन और कलौंजी। मसाला को ज़्यादा देर ना भूने, नहीं तो मसाला कड़वा हो जाता है। देखिए मसाला भून के हो गया है। गैस बंद करने के बाद चलिए हम इसमें डाल देते हैं काला राई। वैसे आप लोग चाहे तो काला राई को धूप में भी सुखा करके पीस सकते हैं। हमारे उधर तो राई को अलग पीसा जाता है, हम साथ में ही डाल रहे हैं, इसे साथ में ही पीस लेंगे। अभी हम सारे मसाले को एक थाली में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। थाली में डालने के बाद उसे फैला देते हैं थोड़ा सा और ठंडा होने देते हैं। देखिए मसाला हमारा ठंडा हो गया। चलिए हम इसे पीस लेते हैं। इसे पीसने के लिए हमने लिया छोटा जार, जिसमें हम मसाला को पीसेंगे दो बार करके। एकदम बारीक पाउडर ना बनाए मसाला को। चलिए हम इसे पीस लेते हैं। देखिए मसाला हमारा पीस के हो गया। चलिए हम इसे एक बर्तन में बाहर निकाल लेते हैं। एक
बॉल में हमने मसाला को निकाल लिया है। देखिए हमारा आम का अचार दूसरे दिन इसका कलर चेंज हो गया है। हमारे उधर तो दो दिन तक रखते हैं, एक दिन नमक डाल के रखते हैं, दूसरे दिन उसमें राई डालते हैं, तीसरे दिन इसमें सारा मसाला मिला करके इसको बनाते हैं। लेकिन हम एक दिन में ही कर रहे हैं क्योंकि राई डालते तो फिर राई को पोछ के आम को निकालना पड़ता और ज़्यादा टाइम लग जाता। देखिए आम निकालने के बाद जो भी पानी बचा उसमें चले उसमें मसाला को डाल देते हैं पीसे हुए। इस तरह से हम सारे मसाला को डाल देंगे। इसमें मिर्ची पाउडर डाल देते हैं। इसमें अचार तो ऐसे तीखा ही होता है। मिर्ची पाउडर डालने के बाद चलिए हम इसे मिक्स कर लेते हैं। यहाँ देखिए अचार में पानी कम छूटा था, गांव में तो ज़्यादा पानी निकलता है, यहाँ कम निकला पानी। तो हम उसमें राई तेल मिला देंगे, सरसों का तेल। जब हमारी मम्मी बनाती थी अचार, जब भी ऐसा होता था तो दूसरा आम को घिस करके और उसका रस निकाल करके इसमें डाल देती थी। लेकिन यहाँ तो मार्केट 11 बजे बंद हो जाता है, बाद में तो कुछ मिलता ही नहीं है। तो चलिए हम राई तेल ही डाल करके मसाला को मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा और सरसों का तेल डाल देते हैं हम इसमें। मसाला को चेक करने के बाद पता चला इसमें नमक कम है, तो थोड़ा सा और भी नमक डाल देते हैं इसमें, क्योंकि अचार में नमक तेज रहना चाहिए। ये अचार बना के आप लोग साल दो साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। हम तो यहाँ पे बना रहे इसलिए 1 किलो का ही बना रहे। हमारे उधर तो कितने सारे आम को लोग बनाते, पिछले साल का ये साल खाते, ये साल का पिछले साल जाके खाते। तो इस तरह देखिए मसाला हमारा तैयार हो गया। चलिए हम इसे भर लेते हैं। बीच में मसाला डालेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे की तरफ उसको खिसका देंगे। मजबूत हाथ से इसे भरना है। देखिए इस तरह से इसे भर लेंगे। कोई कम मसाला भरता है, कोई ज़्यादा मसाला भरता है। अगर हम इसमें राई डाल दिए होते दूसरे दिन तो फिर सारे आम को पोछ के निकाल के ज़्यादा टाइम लग जाता। देखिए हमने भर लिया, उसे एक थाली में हम रख लेते हैं। तो इसी तरह से हम सारे को भर लेंगे। ये अचार बनाने में थोड़ा मेहनत है लेकिन टिकता बहुत ज़्यादा दिन है ये। देखिए एक थाली में हमने भर लिया, जो एक दो बचा उसे भी चलिए हम भर लेते हैं। आम को तो हमने घर में ही फैन पे सुखा लिया, लेकिन इसे तो धूप चाहिए। ये अचार बिना धूप का नहीं बनता है, तो इसलिए हमने टेरिस का चाबी ले लिया। चलिए ऊपर हम डाल देते हैं इसे सूखने के लिए। एक टेबल पे हम इसे डाल देते हैं। एक दिन पूरा धूप लगाएंगे, एक दिन आधा दिन धूप लगाएंगे। आधा दिन मतलब 1 से 1.5 बजे तक। 9 बजे डालेंगे, 1-1.5 बजे हटा लेंगे। देखिए अभी 1.5 बज रहा है, अचार हमारा अच्छी तरह से सूख गया। ज़्यादा देर सुखाएंगे तो फिर अचार नहीं कोकम हो जाएगा ये, फिर इसे तैयार होने में टाइम लगेगा। अचार हमारा अच्छी तरह से सूख गया है, चलिए हम इसे बरनी में भरने के लिए तैयार कर लेते हैं। भरने के लिए देखिए हमने लिया यहाँ एक बॉल में तेल, मतलब सरसों का तेल। उसमें इसी तरह हम डुबा करके इस बरनी में भर देंगे। आप लोग चाहे तो बरनी में अचार डाल दे, ऊपर से तेल भी डाल सकते हैं, उसमें ज़्यादा तेल लगता है। अगर हम इस तरह एक एक अचार को तेल में डुबा करके रखेंगे तो ऐसे में क्या होगा, ज़्यादा तेल भी नहीं हमारा खर्चा होगा और सारे अचार में तेल भी लग जाएगा।
जो बाकी बचे तेल है सारे को हमने डुबा लिया, और बाकी जो बचा है उसे हम डाल देते हैं बरनी में। अभी अचार बना के और तेल डाल के इसे रख दे, जब बारिश शुरू होगा तब ये खा सकते हैं, क्योंकि कच्चा राई वाला अचार कड़वा होता है, तो जब बारिश गिरेगा तब ये खाने लायक होगा। अगर आप लोग को ये अचार की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे।